हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग शिखा गुड मॉर्निंग प्रीति सुभाषंकर अनमोल सुदीप शिवानी उर्मिला स्नेहा सदार्फ श्रुति एवरीवन गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब ऑल गुड आवाज आ रही है काइंडली कंफर्म अबाउट द वॉइस अमा ऑडिबल टू एवरीवन प्लीज प्रतीक गुड मॉर्निंग टुडे इज 5th of April 2024 and let's begin our discussion of the Hindu newspaper and many more news articles. So the first article we going to discuss about today is about government to record parents religion to register birth record. अभी आपको ये समझ में आया होगा recent time में ना एक amendment की गई थी government के द्वारा जहां पर online registration होने लगी है बच्चों के जन्म की और even जो uh, death होती है उसकी भी तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है गवर्नमेंट ने कुछ रूलिंग्स में चेंज किया है तो इसको हम समझेंगे से. Then, इसकी तो हमने जान ही ली थी बट स्टिल अभी श्रीलंकन गवर्नमेंट की तरफ से एक बयान आया कि भाई आइलैंड वाला जो इशू है वो 50 साल पहले ही रिजॉल्व कर लिया गया था 1974 में तो इसके बारे में थोड़ा बहुत हम जानेंगे बट लोकेशन वगैरह ही इंपॉर्टेंट है ज्यादा और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी तो पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सी ही है देन दिस आर्टिकल अबाउट भारतीय न्याय अब आपको पता होगा जुलाई 2024 में यह संहिता आपकी लागू होने वाली है एंड अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है तो कहते कि भाई गवर्नमेंट के पास अभी टाइम है कुछ मेजर इश्यूज इसमें हाईलाइट किए गए हैं तो उन इश्यूज को हम समझेंगे और जानेंगे कि कुन, किन किन, किन पार्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट मॉडर्नाइज करने की है तो हर एक स्टेक होल्डर को यहां पर साथ लेके हम कोशिश कर सकते हैं इस नई न्या, न्याय संहिता को और बेटर बनाने में तो दिस आर्टिकल इज अबाउट भारतीय न्याय संहिता और उसके अंदर चार पांच तो मेजर डिस्कस करेंगे Then, अब अभी ने एक की थी, 2023, में। इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटीज को यह कहा गया था कि भाई आप ना कॉलेज जो आपके अंडर आते हैं उनको थोड़ी ऑटोनॉमी दीजिए तो उससे रिलेटेड आर्टिकल है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है एंड किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है जो ऑटोनॉमस कॉलेजेस होते हैं तो वो सभी चीजें यहां पर आपकी डिस्कस की जाएंगी एंड खासकर फोकस इस बात पे किया जाएगा कि कॉलेजेस के साथ क्या प्रॉब्लम आती है जब वो ऑटोनॉमी डिमांड करते हैं यूनिवर्सिटीज से तो इस आर्टिकल को याद रखना एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोसाइटी टॉपिक में या सोशल जस्टिस टॉपिक में या आपके बाकी अदर सेगमेंट्स में इसकी हेल्प लग सकती है देन दिस आर्टिकल इज अबाउट स्ट्रेटेजिक स्टोरेज के बारे में है क्रूड ऑयल की देखिए हर कंट्री ये चाहता है कि भाई जो उनके पास एनर्जी रिजर्व है एनर्जी रिजर्व इतना हो सो so दैट वो किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ना हो ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन आइडियली हर देश के पास एटलीस्ट 90 डेज का बफे होना चाहिए बफर होना चाहिए जिसके कारण वो आ, कोई भी अन, unseen reasons होते हैं। जैसे वॉर हो गई या कुछ भी हो गया ऐसे कारणों की वजह तो उस सिचुएशन में रिजर्व तो की जरूरत होती है तो इंडिया ने इसके लिए एक बड़ा स्टेप लिया है तो वी विल टॉक अबाउट दैट फिर ये जो सेकेंड आर्टिकल है इट्स ऑल अबाउट कि इंडिया के अंदर कुछ लोग जो लाइक आप कह सकते हैं कि माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं उन्होंने सरोगेसी को अडॉप्ट किया मतलब को कहीं कहीं ना एक की तरह देखा उन्होंने बट लॉ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट है जिसकी वजह से आज की डेट में यूएसए और इवन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के अंदर ये लोग जा रहे हैं ताकि वो अपने बच्चे को जन्म दे सके तो के बारे में ये आर्टिकल है उत्तराखंड डिसीजन लिया इनके यहां पर तेरह टोटल ऐसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की जो सिचुएशंस है देखने को मिलती है उसमें से पांच बहुत ज़्यादा सीरियस है तो यहां पर एक कमेटी बनाई गई है सो so दैट क्या टाइमली एक्शन लेने चाहिए ताकि इस लेक जो ग्लेशियर आउटबर्स्ट लेक होती है इसको लाइक इसकी फ्लडिंग को रोका जा सके अब बात यहाँ पर यह आती है कि ग्लेशियर आउटबर्स्ट लेक होती क्या है इसको हम समझेंगे एंड बाकी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो गवर्नमेंट लेने की सोच रही है उसके बारे में जानेंगे देन एक साइट जो है हरप्पन सिविलाइजेशन की गुजरात में मिली थी

अहो एक टेम्पल आर्किटेक्चर है इसके बारे में यहां पर बात करेंगे हम वैसे तो है तो, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की और सबसे पहले पहले आर्टिकल के बारे में समझते हैं देखिए अभी तक क्या होता था इंडिया में आप फिजिकली रजिस्टर करते थे बच्चे का बर्थ या किसी की भी डेथ को तो यहां पर इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम लगता था एंड जो आपका डेमोग्राफिक डाटा है वो डाटा अपडेट होने में भी टाइम लग जाता था बिकॉज़ देखिए अगर बात की जाए टोटल रिकॉर्ड सेंट्रलाइज नहीं था तो जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है इनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती नहीं थी बिकॉज़ इंफॉर्मेशन तो फिजिकल कॉपी में स्टोर्ड थी तो गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि हम इस सब चीज को ऑनलाइन ऑनलाइन कर 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 देंगे देंगे एंड कनेक्ट एक एक सेंट्रल सर्वर से से जहां पर सभी तरह का, इस तरह का 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 इस इस डाटा स्टोर किया जाएगा बर्थ और डेथ रिलेटेड अब अब फिजिकल रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस हो हो गया वो हो गया वो बट अभी गवर्नमेंट ने फॉर्म के अंदर एक नया चेंज चेंज भी कर दिया कि है क्या रिलीजन है दोनों का रिलीजन यहां पर लिखेंगे एंड प्लस एक स्कोप छोड़ दिया कि कल को अगर बच्चा अपने खुद से भी कोई रिलीजन अडॉप्ट करना चाहे तो उसके लिए भी यहां पर स्कोप छोड़ दिया है और एक प्रोविजन यहां पर उसके लिए भी दिया गया है तो यहां पर एक बात कही जाती है कि भी देखो इससे अगर देखा जाए तो हमारे को फायदा क्या होगा फायदा बेनिफिट इससे यह होगा कि कल को हमें कोई स्कीम्स बनानी है पर्टिकुलरली मान लीजिए कोई मिनोरिटी से रिलेटेड हमें स्कीम बनानी है तो उसके लिए हमारे पास डाटा रेडिली अवेलेबल होगा कि किस तरह की कहाँ पर कितनी पॉपुलेशन मिलती है और उसके अकॉर्डिंगली हम स्कीम्स को डिजाइन कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन और फॉर्मेशन और लाइक उस पे हमें काफी हेल्प मिल सकती है तो कहीं ना कहीं पॉलिसी फॉर्मेशन और इंप्लीमेंटेशन में काफी हेल्प करेगी ये चीज तो ये चीज काफी अच्छी लग रही है देखने में बट एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि कल को मान लीजिए जैसे लाइक आर्टिकल में तो इस बारे में बात नहीं की गई है बट स्टिल मान लीजिए दो पर्सन है जैसे हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो उस केस में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है जिस तरह का अभी लाइक अगर आप देखें लव जिहाद का और बाकी चीजों को मैटर्स को उठाया जाता है तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होने के भी चांसेस यहां पर रहेंगे तो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस आर्टिकल नाउ लेट्स टॉक अबाउट आइलैंड देखिए ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है वैसे तो पहले से जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के गए थे ये इंडिया का पार्ट था बट आफ्टर इंडिपेंडेंस Continuously, because ये बहुत ज़्यादा करीब है जाफ़ला वाले एरिया के और आप श्रीलंका के पास देखते हैं इसे तो यहां पर कंटिन्यूसली एक डिस्प्यूट इंडिया और श्रीलंका के बीच में चल रहा था अब 1974 आता है और 1974 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कुछ अमेंडमेंट करती है जिसके बाद से हमने इस पार्ट को ससीड कर दिया किसको श्रीलंका को ससीड कर दिया किसको श्रीलंका को अब हुआ ये जब हमने इस

तो जो कि हम चाहेंगे नहीं तो यहां पर अगर बात की जाए कथचिव आइलैंड तो इंडिया के और श्रीलंका के बीच में जो पाक स्टेट है इसके अंदर लोकेटेड एक एरिया है जो कि आपका वॉलिक कौन से ओरिजन का है वॉलकैनिक ओरिजिन का है तो ये दो तीन चीजें ही हैं जो आपको यहां पर इस आइलैंड के बारे में याद रखना है हाँ अभी श्रीलंका ने ये कहा है कि भाई देखो आज से पचास साल पहले ये डिस्प्यूट आपका खत्म हो चुका है अब इसके बारे में फर्दर कोई और बात नहीं होनी चाहिए तो यहां पर इन्होंने कहा कि भी ऑलरेडी रिजोल्व इन 1974 तो डोंट वरी अबाउट इट तो ये यह चीज यहां पर वापस से इसके बारे में आ, कोई बातें फिर से स्टार्ट करने में कोई रीजन नहीं दिखाई देते जिसकी वजह से यहां पर कंटिन्यूसली श्रीलंकन गवर्नमेंट इसको अपोज कर रही है हाँ एक मेजर प्रॉब्लम जो यहां पर आती है देखिए Uh, 2000 से पहले तक यहाँ पर क्या होता था इस एरिया में इंडियन फिशरमेन को फिशिंग राइट्स वगैरह मिले हुए थे तो फिशरमेन यहाँ पर इजीली जाके मछली वगैरह पकड़ सकते थे हिस्टोरिकली भी दे यूज़ टू डू इट बट पोस्ट 2000 जब लाइक uh, like, uh, जो टाइगर आर्मी थी तमिल टाइगर आर्मी वो अपनी पीक पे थी तो उसके बाद से यहां पर जो भी फिशरमेन आते थे उनको अरेस्ट कर लिया जाता था और इवन आज की डेट में भी तो इस वजह से थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सी एरिया में काफी बढ़ गई है बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिर्फ पॉलिटिकली गेन पॉलिटिकल गेन के लिए ही ये सब चीजों के मुद्दों को उठाया जा रहा है अदरवाइज इसमें कुछ और ज्यादा है नहीं तो ये चीजें आपको यहां पे याद रखनी है नाउ लेट्स टॉक अबाउट भारतीय न्याय संहिता देखिए भारतीय न्याय संहिता को अभी रिसेंटली अमेंड किया गया दो में जिसमें हम लेके आए भारतीय न्याय संहिता दो अब इसमें एक सेक्शन के बारे में बात की गई है सेक्शन 106 जीरो सिक्स क्लॉस टू अब इसमें बात की जाती है एक्सीडेंट्स के केस की मान लीजिए एक ट्रक ड्राइवर है इसने गलती से किसी का एक्सीडेंट कर दिया किसी कार का एक्सीडेंट कर दिया अब ये ट्रक ड्राइवर को कहा जाता है कि भाई आप जाके पुलिस में अपने आप को आ, अपने आप इस चीज की रिपोर्ट

कुछ कारणों की वजह से हो गया एक्सीडेंट तो यहां पर जो दस साल का जो यहां पर कहा गया है ये बहुत ज्यादा हार्श पनिशमेंट है पहली बात तो ये कही जाती है दूसरी बात यहां पर ये यह फंडामेंटल राइट्स का भी वायलेशन है आर्टिकल ट्वेंटी आपको पता क्या होता है आर्टिकल ट्वेंटी इसका क्लॉज थ्री कहता है कि भाई आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो अपने खिलाफ खुद से बयान दे चाहे फिजिकली टॉर्चर करके बात हो चाहे उसे मेंटली हरास करके बात हो किसी भी तरह से आप किसी भी पर्सन को यह मजबूर नहीं कर सकते कि वो अपने खिलाफ खुद से क्या दे बयान दे और ये कोर्ट में एडमिसिबल भी नहीं है अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि यहां पर एक केस हुआ था दैट इज नंदिनी सत्यपति वर्सेस पीएल दनी इस केस में ये कहा गया था कि भी देखो अगर कोई ऐसे टेस्टिमोनी देता भी है तो वो लॉ यानी कोर्ट के आगे कोर्ट के सामने वो मान्य नहीं है क्योंकि हो सकता है उस पर्सन को किसी तरह से हरास किया हो प्रेशराइज किया हो जिसकी वजह से उसने इस सब चीजों को कबूल किया हो अगर वो कोर्ट में आके अपने बयान से मुकर जाता है तो इन दैट केस उसके मतलब उसके बयान को वैलिड नहीं माना जाएगा तो यहां पर ये चीज बहुत बड़ी चीज है बिकॉज आप जब बात कर रहे हैं कि भाई आप खुद से जाके मान लो मेरे से कोई एक्सीडेंट हो गया यानी सलमान खान से सलमान खान का एग्जाम्पल ले लेते हैं अब सलमान खान से कोई एक्सीडेंट हो गया है और सलमान खान खुद जाके ये कहे कि भाई मुझे अरेस्ट कर लो बिकॉज मेरे से एक्सीडेंट हो गया है तो ये एक तरह का सेल्फ इनकारनेशन ही तो हुआ एंड इसमें ये बल, बड़ी गलत बात है बिकॉज ये खुद को टेस्ट करना यह कहीं ना कहीं आर्टिकल ट्वेंटी का वायलेशन है सीधा सीधा तो ये चीज यहां पर सबसे पहले कही जाती है फिर दूसरी बात की जाती है यहां पर एक और आर्टिकल की दैट इज एक एक और सेक्शन की दैट इज रिलेटेड टू सेक्शन 303। सेक्शन 303। थ्री अब इस सेक्शन में क्या प्रॉब्लम है देखो इस सेक्शन में बात की गई है पीटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की अब पीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है इसको समझिए आप है। कहते हैं इसकी डेफिनेशन जो गवर्नमेंट ने दी है लाइक इसको एज अ सेक्शन 112 भी इंट्रोड्यूस किया गया है मतलब ये जो डेफिनेशन दी गई है उसमें लिखा गया हु एवर बीइंग अ मेंबर ऑफ ग्रुप और गैंग ईदर सिंगली और ज्वाइंटली कमिट्स एनी एक्ट ऑफ थेफ्ट स्नैचिंग चीटिंग अनऑथराइज सेलिंग ऑफ टिकट अनऑथराइज बेटिंग और गैम्बलिंग सेलिंग

इनडेफिनेट है और ओपन एंडेड है भाई इसका मतलब तो ये है कि कोई भी चोरी है, के कारण हो सकता है कि पुलिस अथॉरिटी इस चीज का गलत इस्तेमाल करे लोगों को फंसाने के लिए तो यहां पर लाइक नॉट थ्री जीरो थ्री बट आर्टिकल वन हंड्रेड ट्वेल्व के सेक्शन के अंदर ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है अब ऐसा ही एक सेक्शन है सेक्शन 303 303 थेप से डील करता है चोरी चकारी से अब कहा जाता है कि भी देखो अगर किसी ने पहली बार चोरी की है और मान लो एग्जांपल लेते हैं राजू का राजू ने पहली बार चोरी की है और चोरी में उसने पांच हजार रुपए से कम पैसे चुराए अब इस केस में यहां पर राजू अगर अपनी चोरी का पैसा वापस दे देता है एंड प्लस माफी मांग लेता है तो उस केस में राजू के ऊपर किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं होगा अगर ये फर्स्ट टाइम इसने क्राइम किया है इसको कुछ सोशल सर्विसेज कही जाएंगी अगर वो उसको फुलफिल करता है तो इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं होगा तो यहां पर बात कही जाती है कि भी देखो अगर आप ओवरऑल देखें एक अर्बन एरिया है अब मान लीजिए एक पर्सन बहुत रिच है रिच है रिच पर्सन के अगर पैसे को कोई चुरा भी ले पांच हजार अगर चुरा भी ले जिसकी इनकम लाख दो लाख रुपए है उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा बट वट इफ अ पर्सन इज वेरी पुअर मान लीजिए जैसे मैं अपने कॉलेज या स्कूल टाइम में साइकिल से भी जा, गया हूँ लाइक like, मैंने जब डिप्लोमा किया था ना तब तो मैं साइकिल से जाता था हीरो हॉक करके एक साइकिल आती थी उस पर तो मान लो अगर वो साइकिल कोई चुरा लेता उस टाइम मेरे फादर की भी इतनी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी कि वो दूसरी साइकिल मुझे दिला पाते तो बट बात ये है कि अगर यहां पर मेरी कोई साइकिल चुरा लेता है और पुलिस कहते नॉन ऑफेंस है इसमें तो अरेस्ट होता ही नहीं है तो उस केस में कहीं ना कहीं पुलिस पूरी तरह से कार्रवाई नहीं करेगी और इसकी वजह से कई बार लोगों को बहुत सी हरासमेंट करनी पड़ेगी बिकॉज हो लोगों की बहुत सी हरासमेंट होगी बिकॉज आप कोर्ट में जाके भी इस चीज के लिए दलील नहीं दे सकते बिकॉज केस ही नहीं रजिस्टर होगा तो कहा जाता है कि भाई देखो यहां पर ये एक बहुत गलत बात है इसके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम एसोसिएटेड है कि भाई देखो अगर बात की जाए यहां पर तीन सेगमेंट में आपने क्राइम को डिवाइड किया है पहला सेगमेंट तो मैंने आपको बता दिया दूसरे सेगमेंट में अगर देखो, अगर देखो कोई पर्सन चोरी करता है तो उसको तीन साल की सजा होगी तीसरे सेगमेंट में कहते हैं कि भी अगर कोई चोरी घर में से करता है या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में से चेन खींचता है तो सजा पांच साल की होगी पांच से सात साल मतलब सात साल मैक्सिमम यहां पर पनिशमेंट की बात की गई है एंड उसके अलावा अगर मान लीजिए कोई चोरी इस तरह से करता है कि भाई किसी पर्सन को चोट लग जाती है और इवन किसी के लिए ये जो बात की गई है सेक्शन 305 में, 303 में, या 307 में तो ये चीजें ठीक है बट बात ये है कि हर चीज के लिए जो क्वांटम डिसाइड किया गया है, वो काफी गलत है इसमें गलत क्या है कि जो चोरी चकारी के जो बैटर है फर्स्ट टाइम जो चोरी कर रहा है उसके बारे में ये कहा जाता है कि क्लियर कट कुछ uh, कुछ आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि किस प्रोसेस में कितनी सजा रहनी चाहिए तो यहां पर मतलब किस प्रोसेस में कितनी सजा रहनी चाहिए मतलब जैसे इंजरी कितनी ग्रेव या कितनी बड़ी होनी चाहिए उस केस में पर्सन को दस साल की सजा हो सकती है अब मान लो हल्का सा किसी को चोट लगी है मान लो किसी ने जोर से पकड़ लिया उसमें चोट लगी है तो वो चीज यहां पर कही जा रही है कि कहीं ना कहीं वेगली यूज की जा सकती है तो वो चीज यहां पर गलत है तो यहां पर एक चीज ये आ जाती है अब किसी ने पूछा कौन था हाँ सचिन ने कहा कि सर पिटी ऑर्गेनाइज क्या होता है झुंड बनाकर गैंग बनाकर लोग चोरी करने चले गए झुंड बनाकर गैंग बनाकर लोग स्नैचिंग करने चले जैसे आप लाइक यूएसए वगैरह में देखते है ना जो डार्क स्ट्रीट्स होती वहां पर कई बार होता है कि कुछ लोग जैसे बंदूक लेके आपके सामने आ जाएंगे और आपके सामने पॉइंट आउट करके कहेंगे कि जो भी है अपना कैश कुछ मुझे पकड़ा दो तो वो चीजें यहां पर आपकी पिटी ऑर्गेनाइज क्राइम में आती है बट उसको क्लियरली डिफाइन नहीं किया है गवर्नमेंट ने अरे राजू यार पहली बार यह मेरी क्लास में राजू आया राजू मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं राजू मैं बात कर रहा हूं हीरा फेरी के राजू अक्षय कुमार की तो लाइक वन ऑफ दी माय फेवरेट मूवी है तो मेरे को उसका नाम याद रहता है तो इस वजह से आपके बारे में नहीं कह रहा हूं चलिए अब बात करते हैं अगले प्रॉब्लम की तो यहां पर एक यह आ जाता है कि देखो जो क्वांटम दस साल की बात की गई है ना आ, ये छोटे मोटे क्राइम्स के लिए अब क्योंकि थेफ्ट यहां पर भी बात की गई है थेफ्ट यहां पर भी बात की गई है तो सेक्शन तो एक ही अप्लाई होगा ये दस साल की जो मैं आपको कह रहा था ना कि क्वांटम काफी हार्श है अब देखो इसमें क्या होता है कि जो पीटी ऑर्गेनाइज क्राइम है उसके लिए जो क्वांटम डिसाइड किया गया है वो इसके बेसिस पे मतलब आर्टिकल सेक्शन 112 क्लियरली डिफाइन नहीं है अब यहां पर चोरी के बारे में कहा गया कि मैक्सिमम दस साल की सजा हो सकती है तो कहा जाता कि है कि भाई लोग कई तो सेक्शन सिक्स ए जो आई एक्ट का जो एक केस आया था वाला सुप्रीम कोर्ट ने इसको ग्रॉसरी ऑफेंसिव बताया था कि भाई इस तरह की अनडिफाइंड वे ओपन एंडेड सेक्शन को नहीं रखना चाहिए तो कहते कि भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के भी ये अगेंस्ट जाता है तो मतलब जो मेरा कहने का मतलब यहां पर ये यह था कि भी देखो 10 साल की सजा जो क्वांटम नॉट आप जो प्रोविजन है उसको क्लियरली डिफाइन नहीं कर रहे हो उसके बाद क्वांटम इतना हार्श कर दिया तो इससे अगर पुलिस अथॉरिटी अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करेगी तो लोगों की फ्रीडम ऑफ लाइक लाइक

अब कहा जाता है कि देखो अगर केस रजिस्टर हो गया स्टार्टिंग में तो ठीक है अदरवाइज उस चीज के लिए उसको सजा नहीं हो पाएगी जब तक वो किसी और सिमिलर केस में कोई और चोरी के केस में वो पकड़ा नहीं जाता और वो उस चीज को हम रिकवर नहीं करते मतलब मान लीजिए राजू ने बाबू राव की दुकान हड़प ली अब दुकान की वैल्यू थी पांच हजार अब बाबू राव ने कंप्लेन नहीं की बट बाद में राजू किसी और केस में पकड़ा गया लक्ष्मी चिट फंड के केस में फंस गया अब उस केस में राजू को सजा हुई तो तब यहां पर अगर उस ये रिकवर की जाएगी तो, 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 तो कहा जाता है कि भी देखो पांच हजार की वैल्यू लोगों के लिए तो कुछ नहीं है कुछ लोगों के लिए बट बहुत से लोगों के लिए पांच उनकी मंथली सैलरी भी हो सकती है तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम यहां पर रह सकती है फिर इसके अलावा ये कहा जाता है कि देखो लाइक सेक्शन थ्री जीरो थ्री में एक बात की जाती है आईपीसी के पुराने वाले के कि पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ अब इसमें कहा जाता है कि भी, सुप्रीम कोर्ट ने मिथु वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में एक जजमेंट दी थी कि आर्टिकल ट्वेंटी वन का वायलेशन नहीं होना चाहिए मतलब लाइक यहां पर अगर आप देखें तो क्लियरली ये कहा गया था कि भाई इस जो सेक्शन 303 है इसमें मर्डर केस के लिए लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट की बात की गई थी तो इसमें कुछ पार्ट जो था वो वायलेट करता था आपका आर्टिकल ट्वेंटी वन को क्यों क्योंकि यहां पर कोर्ट के पास पावर नहीं थी कि वो क्वांटम को अपने अकॉर्डिंगली ऑफेंस के बेसिस पे कम या ज़्यादा कर सके बिकॉज आप यूजली देखेंगे कि जो लॉ में लिखा होता है ना ऐसे लिखा होता है टू लाइफ इंप्रिजनमेंट तो मतलब यहां पर स्कोप है कि आप चाहे तो दस साल की सजा दें पंद्रह साल की सजा दें या लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा दें, वो वो आपके ऊपर ऊपर डिपेंड डिपेंड करता करता है, करता है, जज के तो वो उस तो उस चीज का क्लियर था, इन्होंने कहा तो से प्रोविजन सेक्शन था उससे रिलेटेड ही उसके जो कारण थे अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने के उस चीज के ऊपर फोकस किया गया है कि भाई उस प्रोविजन को आप चेंज करके एक्चुअल में सेम चीज को वापस से इंप्लीमेंट कर रहे हो तो कहते कि एक बारी कोर्ट ने उसे नल एंड व्हाइट कर दिया था तो फिर से उस प्रोविजन को लाने की क्या जरूरत थी तो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स बताई जा रही हैं फिर लास्ट में एक आ जाता है कि भाई आपका सब सेक्शन है छ और सात सेक्शन वन फोर्टी थ्री का इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है कहते कि देखो अगर कोई भी ट्रैफिकिंग वगैरह कर रहा है जैसे बच्चों को बेचना या किसी महिलाओं के देह व्यापार में डालना किसी को भी तो उसमें पब्लिक सर्वेंट और पुलिस ऑफिसर्स और नॉर्मल पर्सन के लिए सेम सजा की बात की गई है बट एक्चुअल में जो ऑफेंस है वो दोनों का थोड़ा डिफरेंट है वो इस क्राइम को कमिट कर रहा है तो ओवरऑल तो ये कहा जाता है कि भी देखो अगर आपको भारतीय न्याय संहिता को जुलाई मंथ में अप्लाई करना ही है इंडिया में तो आप इन प्रॉब्लम्स को लेके ध्यान रखें और इनके ऊपर फोकस करें कि कैसे इन्हें लाइक इन प्रॉब्लम्स को हल किया जा सकता है और उसके बाद न्याय संहिता को आप अप्लाई कीजिए तो मेजर जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई दैट इज सेक्शन वन जीरो सिक्स क्लास टू जिसमें एक्सीडेंट के केस में दो प्रॉब्लम्स हैं क्वांटम बहुत ज्यादा है और दूसरी चीज यहां पर आपको जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि आर्टिकल uh, 20 का वायलेशन है 20 क्लास टू थ्री का फिर उसके बाद पिटी ऑर्गेनाइज क्राइम में डेफिनेशन क्लियर नहीं है आर्टिकल 100 सेक्शन वन हंड्रेड के अंडर फिर सेक्शन थ्री जीरो थ्री में एक प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट टाइमर्स के लिए आपने पाँच हज़ार तक की चोरी पे कुछ uh, लाइक आप आपने उन्हें रियायत दी हुई है नॉन कॉम्बनिजेबल ऑफेंस बना दिया है बट उस केस में कहीं ना कहीं पुलिस के इन एक्शन की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है फिर क्योंकि आपने सेक्शन 112 में पिटी ऑर्गेनाइज क्राइम को क्लियरली डिफाइन नहीं किया बट स्टिल क्वांटम जो है सेक्शन थ्री जीरो थ्री क्लास सेवन के अंडर आपने बहुत ज़्यादा हार्श कर दी है जिसमें आपने टेन ईयर्स तक की पनिशमेंट दे रखी है तो कहा जाता है कि पुलिस इसका गलत इस्तेमाल कर सकती है तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है इवन साइकिल वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस इस चीज चीज को 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 पहले ही लाइक गवर्नमेंट फटकार लगाई कि ऐसे वे एक सेक्शन नहीं होने चाहिए फिर इसी में एक बात की जाती है कि भाई अगर किसी की प्रॉपर्टी स्टोलन आ, किसी ने चोरी कर ली है उसके बाद यहां पर तभी उसके ऊपर केस हो पाएगा अगर वो किसी और सिमिलर क्राइम में थेफ्ट के केस में पकड़ा जाता है तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है फिर लास्ट में ये कहा जाता है कि भी देखो एक सेक्शन थ्री थ्री था आईपीसी का आपने वापस से उसे रिवाइव कर दिया ऑल दो जिस कारण से उसे नल एनवॉइड किया गया था आपने उन कारणों को लाइक एलिमिनेट करने की कोशिश की है बट स्टिल देर नीड टू बी अ बेटर डिस्कस एंड डिबेट बिटवीन द वेरियस स्टेक होल्डर्स फिर लास्ट में बात की जाती है ट्रैफिकिंग के केस में भी प्रोविजन्स जो है वो क्वाइट सिमिलर है पब्लिक सर्वेंट्स के लिए भी और लाइक नॉर्मल पर्सन के लिए भी तो वहां पर यह कहा जाता है कि भाई देखो दोनों की सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है एंड यहाँ पर जो जुडिशल अवार्ड है जो जो पनिशमेंट है वो कहीं ना कहीं दोनों के लिए क्वांटम थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए था तो यहां पर कहा जाता है कि ओवरऑल हमें जरूर है, एक बार एक्ट को स्ट्रीमलाइन कर ले ताकि आने वाले समय में हम जब इसे इंप्लीमेंट करें तो किसी भी तरह का कोई लूपहोल ना रहे तो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया हो। उसको मनीषा पूरी, पूरी सजा होगी वो सेक्शन थ्री जीरो सेवन के अंडर आ गया भारतीय नयी संहिता के वो सेक्शन थ्री जीरो केस में लाइक को थोड़ी रायत दे रखी है तो यहां पर अब बात करते हैं अगले एडिटोरियल की डेट इज रिलेटेड टू एजुकेशन देखो यहां पर यह कहा जाता है कि देखो आज की डेट में अगर बात की जाए यूजीसी की एक गाइडलाइंस आई थी अप्रैल 2003 में और 23 में इसमें इन्होंने कहा कि भाई अगर कोई कॉलेज ऑटोनोमस बनना चाहता है यूनिवर्सिटी के अंडर तो वो अपने एप्लीकेशन को भेज दीजिए अब लगभग पांच सौ नब्बे कॉलेजेस ने अपनी एप्लीकेशन भेजी है जिससे एक बात यह कही जाती है कि भी देखो ओवरऑल अगर आप देखें तो अभी रिसेंटली नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 का रिजल्ट आया था जिसमें टॉप 100 10 कॉलेजेस तो वो भी ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं तो यहां पर ये कहा जाता है केस स्टडी बनती है आपके ऑटोनोमस कॉलेजेस के लिए क्योंकि इससे हम इंडिया में इनोवेशन को प्रमोट कर सकते हैं एकेडमिक एक्सीलेंस को प्रमोट कर सकते हैं एकेडमिक क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं और इंस्टीट्यूशनल एक्सीलेंस को प्रमोट कर सकते हैं फोस्टर कर सकते हैं तो ये एक अच्छा मौका है जहां पर एक्चुअल में हम टीचिंग मेथोलॉजी में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है हम रिसर्च इनिशिएटिव को स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए भी हमारे पास ऑपरचुनिटी है एंड नॉलेज और कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटल डेवलपमेंट इस फ्रंटियर पे हम कुछ कंक्रीट स्टेप्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है अब कहते जब भी किसी चीज के पास अब जैसे मान लीजिए ऑटोनोमस मीन्स ऑटोनोमस मीन्स जैसे आप है आप अपने खुद के डिसीजन खुद से लेने लग जाए तो वो ऑटोनॉमस एग्जाम्पल देता हूं मुखर्जी नगर या ओल्ड याद नगर अब वहां पर आके आप अपनी जिंदगी के कुछ मेजर डिसीजंस खुद से लेने लग जाए तो दैट इज ऑटोनॉमी तो इससे दो चीजें आती हैं जब आपने अपना डिसीजन खुद से लिया है, तो यू विल बी मोर रिस्पॉन्सिबल एंड सेकंड थिंग इट विल ब्रिंग अकाउंटेबिलिटी

आज की डेट की बात की जाए तो भारत में लगभग एक हजार के आसपास आपको ऑटोनोमस कॉलेजेस देखने को मिलेंगे 24 स्टेट्स के अंदर जहां पर सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश कर्नाटका महाराष्ट्र तमिलनाडु और तेलंगाना में कुल जितने भी कॉलेज है उसमें 80 परसेंट काउंट रहेगा मतलब लाइक यहां पर जितने भी कॉलेजेस है उसमें 80 परसेंट सिर्फ इन स्टेट्स में देखने को मिलते हैं और सबसे कम आपको देखने को मिलेगा स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ गुजरात केरला मध्य प्रदेश उड़ीसा पंजाब एंड वेस्ट बंगाल तो कहा जाता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है सबसे पहले आप उसे समझने की कोशिश करो तो यहां पर कहा जाता है कि पहली बात जो यूनिवर्सिटीज है वो अपने कंट्रोल को छोड़ना ही नहीं चाहते मतलब आप अगर किसी के पास पावर है कोई अपनी पावर को क्यों छोड़ना चाहेगा तो यहां पर जो यूनिवर्सिटीज हैं वो बहुत ज्यादा कोशिश इसमें रहती हैं कि भाई वो अपने कंट्रोल को ना छोड़े फिर अगर मान लो कंट्रोल छोड़ा भी तो थोड़ा थोड़ा कंट्रोल छोड़ा और कुछ लिमिटेशन अब इंपोज कर देते हैं जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोनोमस काउंसिल जो कॉलेजेस होते हैं अपने कॉलेज में ख़ुद के करिकुलम एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं खुद के करिकुलम को डिज़ाइन कर सकते हैं बट यहाँ पर वो एक रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे जहां पर वो 25 से 30 परसेंट ही सिलेबस को चेंज कर सकते हैं बाकी जगह पर उनके पास स्कोप होता ही नहीं तो वो एक रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जिसकी वजह से ऑटोनॉमस कॉलेज होने के बावजूद वो ऑटोनॉमस नहीं रहा तो यहां पर एक प्रॉब्लम है कि पावर पहले तो छोड़ना ही चाहते छोड़ते भी तो लिमिटेड छोड़ते हैं और जिसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है फिर यहां पर यह आ जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटीज ना जान के मान लो मेरा अपना खुद का कोई कॉलेज है और ऑटोनोमस कॉलेज बनाना चाहता हूं मैंने अप्लाई किया यूनिवर्सिटी के पास बट यूनिवर्सिटी जानबूझ के मेरे पूरे प्रोसेस में डिले कर देगा मतलब कोई टाइमलाइन डिफाइन नहीं है और जिसकी वजह से एक्चुअल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि इन कॉलेजेस को रिकॉग्नाइज करने में टाइम लगता है जिसकी वजह से एक्चुअल में लोग डिमोटिवेट हो सकते हैं तो लाइक जो स्पिरिट है ऑटोनॉमी को लेके वो कहीं ना कहीं कम हो सकती है फिर चौथी चीज यहां पर कही जाती है कि भाई अगर आप ओवरऑल बात करें तो जैसे मान लीजिए यूनिवर्सिटीज फ्रीक्वेंटली कोशिश करती है कि भाई वो अपनी कंप्लीट ऑटोनॉमी ना दे तो उसमें सिलेबस के डिजाइन में या कोई नए कोर्सेज आपने इंट्रोड्यूस करने या कोई नए मेथड्स को आप ट्राई करना टेस्ट करना चाहते हो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को देखने के लिए तो वो आपको ऐसी चीजें करने ही नहीं देती फिर लास्ट में एक आ जाता है कि भी देखो अब अगर बात की जाए ओवरऑल जब तक कॉलेजेस की एजुकेशन सिस्टम में इनोवेशन नहीं आएगा या अडेप्टिवनेस नहीं आएगी चेंज नहीं करेंगे अपने आप को मार्केट की डिमांड के हिसाब से तब तक एजुकेशन सिस्टम आपका इफेक्टिव नहीं हो सकता है अब इसमें लास्ट जो प्रॉब्लम आती है अब जैसे ऑटोनोमस कॉलेज आपने बनना है तो आपको एक फीस पे करनी पड़ती है यूनिवर्सिटीज को और ये फीस वो अपने आप से डिटरमाइन करते हैं तो कई बारी बहुत आर्बिट्री फीस को इम्पोज कर दिया जाता है और जिसकी वजह से ये जाता है कि इस पूरे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस नहीं देखने को मिलती है तो यहां पर कहा जाता है कि भी देखो आपकी जो स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन है वो इस चीज को इंश्योर करे कि ये चीजें इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो साथ के साथ जो यूनिवर्सिटीज हैं वो इस चीज़ को जो कंसर्न्स हैं जो ऑटोनॉमी को लेके कॉलेजेस के उसको रिकोगनाइज़ करें और माने कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लाइक कॉलेजेस के ऑटोनॉमस होना तो इस चीज़ को कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो उनके डिसीज़न हो वो स्ट्रीम हो और ढंग से इंप्लीमेंट हो और यहाँ पर आपस में कोलाब्रेशन की जरूरत है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को ताकि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को हम इंप्रूव कर सके बट क्या वाकई में इंडिया में एजुकेशन सिस्टम अच्छा है मेरा सवाल है आपसे क्योंकि कल मैं एक फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें एक बात बताई गई इस साल आईआईटी आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस के कोर्स में या आपके जो वेरियस जितने भी कोर्स हैं दो हजार दो बच्चे पास आउट होने थे इसमें से ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट ही नहीं मिला अब यह हाल आईआईटी का है नॉट जस्ट आईआईटी बॉम्बे की बात करूं मैं आईआईटी दिल्ली में भी हाल कुछ अलग नहीं है ऑलमोस्ट फोर्टी परसेंट बच्चों की प्लेसमेंट नहीं हुई तो क्या यहां पर एक्चुअल में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उस तरह की हमारे को एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहा है जो मार्केट में स्किल रिक्वायर्ड है और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ऑटोनोमस कॉलेजेस बनाने से क्या सिर्फ जो फीस जो हम पे करते हैं वो ही इंक्रीज होगी या एक्चुअल में एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव आएगा भी तो ये एक बड़ा बड़ा सवाल है हाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी लाइक ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी कह लो कुछ हद तक और जो डीम टू बी एंड अगर बात की जाए ये ऑटोनस कॉलेज की तो कॉलेज लेवल पे हो गया हाँ लोगों ने पढ़ाई को धंधा बना दिया है और प्रॉब्लम यही है कि लाइक प्लेसमेंट हो नहीं रही है हाँ फ्राइडे थर्टी सिक्स परसेंट थर्टी परसेंट और इवन अगर बात की जाए ना एम्प्लॉयमेंट रेट अगर अनएजुकेटेड लोगों में देखोगे तो थ्री परसेंट के आसपास है और एजुकेटेड लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको खुद को पता है हमने रिसेंटली एक इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के बारे में बात की थी तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जरूरत हमें यह है कि हम लाइक सेकेंडरी या टर्सरी मार्केट में जॉब क्रिएट करें अदरवाइज जो जॉब प्लेसमेंट्स या कुछ भी आप सोच रहे हैं वो होगी नहीं तो यूथ के अंदर एक तरह की आप ये कह सकते हैं कि लाइक नेगेटिविटी आएगी और वो देश के लिए अच्छी नहीं है तो हमें कोशिश करनी होगी ज्यादा से ज्यादा जॉब्स को क्रिएट करें आइए अब बात करते हैं इंडिया के पहले कमर्शियल क्रूड ऑयल स्ट्रैटेजिक स्टोरेज के बारे में देखिए स्ट्रैटेजिक स्टोरेज होती क्या है सबसे पहले आप इसे समझिए स्ट्रैटेजिक स्टोरेज आपके जो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं या नेशनल रिसोर्सेज है असेंशियल आप उनको मार्केट से दूर रख के एक कहीं से ना कहीं आप बफर क्रिएट करते हैं अब यहां पर अगर बात की जाए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में हम पेट्रोल कुछ इस तरह से स्टोर करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल मम्मी अपने अलग अलग जैसे मसालदानियों में या आ, मैं आपको एक बात बताता जैसे अभी ना पीछे नोटबंदी हुई थी तो मेरे मम्मा के पास से तकरीबन तकरीबन पंद्रह से बीस हजार रुपए निकले वो पांच सौ पांच सौ के नोट और वो भी अलग अलग डब्बों में सी

इंडियन पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई और इसको जिम्मेवारी दी गई कि आप इंडिया में इस तरह के रिजर्व बनाओ। इन्होंने अभी तक तीन ऐसी लोकेशन पे काम स्टार्ट किया। एक में जिसमें 1.33 मिलियन मेट्रिक टन स्ट्रेटेजिक रिजर्व को हमने क्रिएट किया एक मैंगलुरु में जिसमें हमने पादुर में ये लार्जेस्ट फैसिलिटी है अब इसके अलावा हम कोशिश ये कर रहे हैं कि भारत के अंदर लगभग 90 दिन का ऑयल रिजर्व को हम क्रिएट कर सके अभी फोकस 74 डेज के ऊपर है अब यहां पर गवर्नमेंट कह रही है कि हम सेकेंड फेज में दो इंपॉर्टेंट साइट लेके आ रहे हैं एक चंदन चंदनी खोल इसमें चार मिलियन मेट्रिक टन की एडिशनल कैपेसिटी को हम बिल्ड करेंगे और पादूर में एक और लाइक हम बनाएंगे और इसको टू मिलियन मेट्रिक टन की कैपेसिटी देंगे अब यहां पर गवर्नमेंट कहती कि भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है अब प्राइवेट सेक्टर वाले आइए हमारे साथ मिलकर इस चीज को बिल्ड करें तो पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर इसको हम क्या कर रहे हैं बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो यहां पर इसको कमर्शलाइज किया जा रहा है तो वैसे कमर्शलाइजेशन की शुरुआत कहां से हुई थी तो कहते हैं कि भाई एक आपका अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है इसने तकरीबन 0.8 मिलियन टन आपका क्रूड ऑयल को बेंगलुरु की जो फैसिलिटी है उसमें स्टोर करने की बात की थी तो वहां से इसकी शुरुआत हुई तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो इंडिया के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं अनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए और इसमें हम रॉक कैरेवंस मतलब रॉक्स के अंदर जो ऐसे रॉक स्ट्रक्चर के अंदर एक टैंक को फिट कर देते हैं जहां पर इस तेल को स्टोर किया जाता है तो यहां पर कमर्शियल रिजर्व का मतलब ये हो गया कि प्राइवेट कंपनी के हाथ में ये तो ओवरऑल अभी पादूर में हम कोशिश कर रहे हैं कि जो 2.5 मिलियन टन का जो हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने वाले इसको प्राइवेट फैसिलिटी के तौर पर पर डेवलप किया जाए जहां इसे प्राइवेट सेक्टर डेवलप करेगा तो हम जनरली इनमें उन एरियाज को एरिया करते हैं जहां पर रीजनेबल रीजनेबली आपकी सिस्मिक एक्टिविटीज कम हो और स्टेबल लैंडफॉर्म हो अब यहां पर एक बात कही जाती है कि भी किन कारणों से इस तरह का रिजर्व डेवलप करना पड़ता है देखो यूक्रेन और रशिया अभी वॉर चल रही थी तो जो उस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या कभी कभार ऐसा भी देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस हाइक पे चल रहे हो तो उस समय मार्केट की वॉलिटिलिटी को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक रिजर्व होना चाहिए जिससे प्राइस जो हाइक हुए हैं पेट्रोलियम में क्रूड ऑयल के उसका इंपैक्ट डोमेस्टिक मार्केट पे ना पड़े उसको एक तरह के लाइक केसिंग प्रोवाइड करने के लिए यहां पर हम इस तरह की एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं तो ओवरऑल इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको इतना ही आइए नाम तो याद रखने पड़ेंगे अंजलि बार बार रिपीट करोगे तो हो जाएंगे याद चलिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व आ स्टॉक पाइल ऑफ क्रूड ऑयलटेन बाय कंट्री और प्राइवेट इंडस्ट्री विच आर मैन टू टैकल एमरजेंसी सिचुएशन टू काउंटर शॉर्ट टर्म सप्लाई डिस्ट्रप्शन स्ट्राटेजिक क्रूड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी इन इंडिया इज मैनेज बाय हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कौन सी स्टेटमेंट ठीक है कौन सी गलत है या दोनों ही सही है जल्दी से हाँ, चल तो रही है बात उसकी बट बीच में चाइना के कारण वो प्रोजेक्ट बीच में रुक गया था तो कैन नॉट से पहली स्टेटमेंट ठीक है दूसरी में गलती क्या है इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड करके एक कंपनी है वो इसको हैंडल कर रही है हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं तो पहला आर्टिकल अपना हो गया नाउ सैरोसी के बारे में बात करते हैं सी को समझाने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं जेठा और दया का मान लो जेठा और दया सोच रहे एक बच्चा पैदा करने का जिसका नाम रखना चाहते हैं वो पप्पू मान लो मान लो अब प्रॉब्लम क्या है अभी पप्पू को पैदा नहीं करते पहले उससे पहले बात समझते क्या हुआ जेठा और दया ने टेस्ट करवाया बिकॉज सम रीजन्स की वजह से मान लो टप्पू की डेथ हो जाती है और उस, उसके बाद ये कहते कि भी हम अपना दूसरा बच्चा करेंगे अब इसमें क्या हुआ कि जेठा ने अपने टेस्ट वगैरह कहे दया ने अपने टेस्ट करवाए और मेडिकल रीजन्स की वजह से अब गया जो है खुद से अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है मतलब उनके अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से वो इस चीज को लाइक प्रेगनेंसी को कैरी आउट नहीं कर सकते तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है तो कहते कि भाई इस केस में यहां पर ये यह किसी दूसरी महिला की मदद ले सकते हैं जिसमें गैस्ट्रेशन पीरियड को कोई और कैरी आउट करेगा तो यहां पर जेठा जाता है कि भाई बबीता जी चलो बबीता नहीं इसमें ना रोशन का नाम ले लेते हैं क्योंकि बबीता जी के साथ प्रॉब्लम यह है कि बबीता जी का खुद का बच्चा नहीं है जी का बच्चा नहीं है इस वजह से जी को बीच में इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि लॉ का क्लियर वायलेशन हो जाएगा तो यहाँ पर कहते हैं कि भाई जेठा जाता है या दया जाती है रोशन भाभी के पास और रोशन भाभी को कहते हैं कि भाई देखो अगर आप कि आपके एक बच्चा है अगर आप सेरोगेट सैरोसी के लिए तैयार होते हैं तो दया और हमारे बच्चे को आप लाइक प्रेगनेंसी को कंसीव करके डिलीवर कर दीजिए अब मान लो इन्होंने डिलीवर किया और बच्चा पैदा हो गया इसका नाम रख इन्होंने पप्पू तो कहते कि इस बच्चे के ऊपर अधिकार किसका होगा तो कहते कि बायोलॉजिकल मदर्स और फादर का इसके ऊपर अधिकार रहेगा यानी जेठा और दया इसके लिए लाइक मां बाप रहेंगे रोशन को यहां पर किसी भी तरह का कोई भी कैश वगैरह नहीं दे, दिया जाएगा यानी कमर्शियल को इंडिया में अलाउ नहीं किया गया हाँ अल्ट्रोसिव को अलाउ किया गया बट विद इन योर कोई भी आपकी जानकारी में जो होता है उसमें ही इस चीज को अलाउ किया गया तो यहां पर एक बात आती है पहली चीज रोशन तभी इस बच्चे को जन्म दे सकती है अगर उसका खुद का कोई बच्चा है अदरवाइज वो नहीं दे सकती तो यहाँ पर की की तो अडॉप्ट कर सकती है और इसमें के थ्रू इस चीज को कंसीव कर सकते हैं उनका खुद का एग होना चाहिए बट स्पर्म किसी का भी लेके वो फर्टिलाइज करवा के हो सकता है इंडिया में सिर्फ अल्ट्रोसिक लाइक अल्ट्रोस्टिक सैरोकेसी को अलाउ किया गया बाकी चीजों को नहीं कमर्शियल सैरोकेसी में जहाँ पर लोग बेचना या खरीदना चाहते हैं या किसी तरह का एक्सप्लाइटेशन देखने को मिलता है इस तरह की सैरोकेसी को अलाउ नहीं किया गया एंड शादी को एटलीस्ट पांच साल हो जाने चाहिए और कपल की जो एज है दैट शुड बी लाइक मेल वुमेन की पच्चीस से पचास के बीच में और मेन uh, की पच्चीस से पचपन के बीच में होनी चाहिए एंड वेयर एज अगर बात की जाए उनको कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन होनी चाहिए जिसकी वजह से वो खुद से माँ बाप ना बन सके इसमें उनका कोई क्लोज रिलेटिव ही इसमें उनकी मदद कर सकता है एंड इसमें मैरिड कपल ही उनकी मदद कर सकते हैं और ये एक बार ही ऐसा कर सकते हैं अपने लाइफ टाइम में और उसकी भी एज 25 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए तो यहां पर ये यह कहा जाता है कि भाई देखो इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह लगाई गई है वो ऐसी लगाई गई है जिसकी वजह से इंडिया में बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि क्यों ना हम यूएसए और कैनेडा में जाके इस चीज़ को अडॉप्ट करें अब क्यों ऐसा हो रहा है इंडिया में आप इस बात को समझिए पहली चीज जैसे गे कपल्स होते हैं सेम आ, सेम जो कपल्स होते हैं तो उनको यहां पर इंडिया में अलाउड नहीं है कनाडा में रूल है तो, तो दे प्रेफरिंग दैट लोकेशन फिर उसके बाद दूसरी बात ये आती है कि भाई देखो अगर इंडिया में बात की जाए तो आपको कुछ मेडिकल कंडीशन होनी चाहिए तभी आप लाइक सेरोगेसी को अडॉप्ट कर सकते हैं बट बाहर की कंट्री में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो इस वजह से वहां पर लोग अडॉप्ट कर रहे हैं कि भाई वहां पर चले जाए फिर तीसरी चीज अब देखो अगर यूएसए अब कोई रिच पर्सन है अब उसे लगता है कि भाई मेरे बच्चे को स्टार्टिंग में ही अगर पैदा होते ही यूएसए की सिटीजनशिप मिल जाएगी अब उससे मुझे भी मिल जाएगी तो वेल एंड गुड है ना अगर बच्चा यूएसए में पैदा होता है अब मेरे दो दो लाख डॉलर या तीन लाख डॉलर लग भी रहे हैं तो उसमें क्या फर्क पड़ता है तो यहां पर इस वजह से कहा जाता है कि भी देखो बाहर पैसा तो लग रहा है बट बहुत से बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं इस वजह से लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो बाहर जाके ही अपने बच्चों को जन्म दे जैसे कैलिफोर्निया में कुछ

जैसे मैंने आपको कहा सिटीजनशिप प्रोसेस काफी इजी रहता है आप ऑटोमेटिकली अमेरिकन सिटीजन बन जाओगे तो उस वजह से भी लोग इसका फायदा उठा रहे हैं तो आइए अब देखें इस क्वेश्चन को जरा देखिए इस क्वेश्चन को विद फॉलोइंग स्टेटमेंट सिंगल मैन आर नॉट अलाउड टू रिस्टोर रिजॉर्ट टू सरोगेसी अंडर एक्ट ओनली अ क्लोज रिलेटिव ऑफ कपल कैन बी अट मका थाईलैंड थाईलैंड इसलिए क्योंकि आप जब होटल में खाना खाने जाते हैं तो आप घर से खाना लेके नहीं जाते ठीक है ना व्यंक प्रॉब्लम इज जब आप होटल में खाना खाने जाते हैं तो आप घर से खाना लेके नहीं जाते हैं तो इसलिए थाईलैंड में सरोगेसी नहीं है इतनी पहली स्टेटमेंट ठीक है हम लड़कों के लिए रूल कहते हैं कि भैया आपको सेरोगेसी अलाउड नहीं है अब दूसरी बात यहां पर आती है कि क्या रिलेटिव क्लोज बिल्कुल हा दोनों स्टेटमेंट ठीक है आंसर बनेगा सी ऑप्शन जिन्होंने भी बी लिखा है काइंडली एक बार फिर से स्टेटमेंट्स को रेफर कर लेना अब ग्लेशियल लेक आउटबस फ्लड्स के बारे में बात कर लेते हैं अब इसको कॉन्सेप्ट समझो मान लो ये एक पहाड़ है ये पूरा पहाड़ बर्फ से ढका हुआ है अब हुआ क्या कि ये जो एरिया है ये आपकी स्नो लाइन एरिया है अब इसके ऊपर जैसे फॉर एग्जांपल इसके साथ में ऐसे ही कुछ दो चार पहाड़ और है यहां पर पूरी पे बर्फ 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 जमी हुई है अब हुआ क्या कि ये जो स्नो लाइन है इसके ऊपर के एरिया में आपको ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे ग्लेशियर है तो इसके इंटीरियर में तो पानी बर्फ जो है वो पिंगल की पानी बन चुका है बट आउटर बाउंड्री जो है वो अभी भी इंटेक्ट है बट कभी भी बहुत ज्यादा अगर बारिश हुई या मान लो कभी अर्थक्वेक आ गया या कभी ऊपर से बहुत ज्यादा जैसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण पानी बह के आ गया मेल्ट होके हो, आ गई आपकी कलेक्ट हो गई और ये जो आउटर बाउंड्री है ये टूट जाए तो एकदम से सडन आपका बहुत ज्यादा पानी रिलीज होगा जिससे फ्लडिंग की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है डाउनस्ट्रीम एरिया में अब चमोली में आपने इस तरह की घटना देखी भी है जब चारधाम प्रोजेक्ट वाला जो केस हुआ था ना चौमौली वाला तो आपने उस समय ये सिचुएशन देखी भी है तो

वसुधरा सॉरी नॉट वरुण इट्स वसुधरा ताल जैसे ये और इसके अलावा पिथौरगढ़ में लोकेटेड और बहुत से आपके जो चार आपके और इस तरह के लेक्स है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है मेजरली ये कहा जा रहा है कि भाई उत्तराखंड में ऐसे इंसिडेंट्स पहले भी हुए टोटल अभी के लिए इंडिया के हिमालयन स्टेट्स के अंदर 88 ऐसे ग्लेशियर्स लेक आपको देखने को मिलती है और इसमें सी तेरह आपके उत्तराखंड के अंदर है 2013 में और 2021 में उत्तराखंड में पहले ही इस तरह के केदारनाथ ट्रेजेडी होगी या चमौली वाला इंसिडेंस हो गया ऐसी चीजें पहले भी देखी हुई है और इस चीजों को यहां पर इस चीजों को यहां पर रोकने के लिए क्या कर सकते हैं इसके ऊपर गवर्नमेंट फोकस कर रही है जनरली इसके पीछे एक ही रीजन बताया जाता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण आपकी आइस मेल्ट कर रही है इस वजह से देखो ये एरिया आपको देखने को मिल रहा है अब मान लो ये पूरी तरह से इस तरफ से तो पत्थर ही पत्थर है यहां पर आपकी बर्फ ने इसे ब्लॉक कर रखा है ये पूरा आपकी आइस शे, शेल्फ है अब क्या हुआ ऊपर से पहाड़ों से बर्फ पिंगल के इस जगह पर एक लेक क्रिएट कर देती है और ये पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है अब एक टाइम के बाद शायद ये जो इसके आगे जो दीवार बनी हुई है बर्फ की ये इस चीज को होल्ड ना कर पाए एंड जब भी इसका पानी का फ्लो बहुत ज्यादा हो जाएगा तो एकदम से सडनली ये बर्फ पिंगलेगी और यहां पर ये यह पूरा पानी डाउनस्ट्रीम एरिया में जाएगा जिसकी वजह से आपकी फ्लडिंग की प्रॉब्लम आ जाती है एंड ये कहा जाता है कि भाई ये इसमें रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है नीचे वाली पॉपुलेशन के लिए जो एरिया में पॉपुलेशन है उनके लिए तो ये चीज आपको प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने एक कमेटी बनाई तो जनरली इसमें यह कहा जाता है कि एक बैरियर रहता है जो आपकी जैसे यहां पर मैंने आपको बताया ना कि ये वॉल है ये पूरी तरह से वॉल है जिसके पीछे ये पूरी जितने भी आपके अब्लाचे वगैरह होके या कुछ भी होके बर्फ नीचे आई है वो सब यहाँ पर स्टोर है पानी के फॉर्म में बट जैसे ही ये वॉल ब्रीच हुई द मोमेंट इट इज डन तो नीचे वाले एरिया में फ्लडिंग हो जाती है तो इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ग्लेशियर मेल्टिंग की प्रॉब्लम है जो कि ग्लोबल वार्मिंग को एंट्रीब्यूट की जाती है कई बार ऊपरी एरिया में बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाती है वो भी एक प्रॉब्लम रहती है और ऐसा एक इंसिडेंस हुआ भी था 2021 में उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में जहां पर चारधाम प्रोजेक्ट के आसपास आपको पूरा एरिया साफ हो गया था तो ये चीज एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो कहते कि भाई इसमें लाइक क्या कारण रहते सिस्मिक एक्टिविटीज ग्लोबल क्लाइमेट चेंज और आपका जो किसी भी कारण से बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ गया वाटर का तो वो भी एक प्रॉब्लम रहता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है तो इज इट क्लियर टू एवरी हां जी इज इट क्लियर टू एवरी वन किसी को कोई डाउट हो यहां तक तो आप पूछ सकते हैं अदरवाइज अगले आर्टिकल की बात करते हैं अर्थक्विक के बारे में जानते हैं देखो जनरली आपकी तीन तरह की प्लेट्स बाउंड्री होती है राहुल टीना अंजलि एंड अमन अब इसको मैं इस तरह से समझाऊंगा आपने एक मूवी देखी कि कुछ कुछ होता है अब जब और राहुल आपस में मिलते हैं तो यहां पर आपकी क्या बाउंड्री फॉर्म होती है कौन सी बाउंड्री जी कन्वर्जिंग प्लेट्स यानी ऐसी बाउंड्री जो डिस्ट्रक्टिव मार्जिन क्रिएट करती है अब डिस्ट्रक्टिव क्यों जब भी किसी को प्यार इश्क मोहब्बत होता है तो उस केस में उसकी नींद प्यास चैन, सब कुछ छिन जाता है तो यहाँ पर जब तो कन्वर्जिंग को मिलता है एक प्लेट डिस्ट्रॉय होती है और आपके कई तरह के लैंडफॉर्म्स यहां पर क्रिएट होते हुए आपको दिखते हैं बट यहां पर आपको सिस्मिक एक्टिविटीज लाइक अर्थक्विक और वॉल्निज्म देखने को मिलता है अब ऐसे ही एक सिचुएशन आती है अंजलि

फ्रंट जोन वाले अब इसमें क्या होता है कि आपकी प्लेट्स आपस में ऐसे रगड़ खाती है अब रगड़ खाने की वजह से यहां पर क्या होता है कि जो फ्रिक्शन की वजह से आपकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है तो इन केसेस में भी आते हैं हाँ कार्तिक थोड़ा केज तो है बट समझ में आ जाएगा तो बाद में कभी भूलोगे नहीं बट स्टिल यहां पर आप ध्यान दीजिए कि ये जो अमन है अमन ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में आता है और यहां पर फ्रिक्शन के कारण अर्थक्विक तो आते हैं मतलब आपस में जैसे प्लेट्स लाइक रगड़ खाएगी एक दूसरे के तो उसमें लाइक फ्रिक्शन के के कारण कारण आप ये कह सकते हैं हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेस जनरेट होगा और के कारण तो आते बट वॉल्निजम यहां पर देखने को नहीं मिलता तो जहां जहां आपको कोई भी बाउंड्री फॉर्म होती हुई दिखती है चाहे कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग या ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज उस केस में आपके अर्थक् जनरेट होते हैं और दुनिया में एक ऐसा एरिया है एरिया कौन सा है वो है रिंग ऑफ फायर इस रिंग ऑफ फायर में मैक्सिमम दुनिया के 80% परसेंट अर्थक्वेक और वोल्केनिज्म की एक्टिविटीज आपको देखने को मिलती है जिसे अक्सर सर्कम पैसिफिक वोल्केनिक बेल्ट इन सर्कल लाइक सर, वोल्केनिक बेल्ट भी कहा जाता है जो कि आपके पूरे पैसिफिक ओशन में फैला हुआ है अब इसमें अमेरिका में बोलीविया चाइल्ड इक्वाडोर पेरू कोस्टा रिका मेक्सिको यूनाइटेड स्टेट और कैनेडा जैसे एरिया आ जाते एशिया में रशिया जापान ऑस्ट्रेलिया देन योर इंडोनेशिया न्यूजीलैंड जैसे आ जाते हैं वाला पार्ट भी इसमें आता है अरे आ, आप अपने हाथों को बीच में ऐसे जैसे रब करते हैं तो हाथ गर्म होते हैं ना अब सोचो दो बड़े पत्थर है

होती है तो उस केस में सिस्मिक एक्टिविटीज प्रोड्यूस होती है इज इट क्लियर तो यहां पर ये पूरा बेटर है अब यहां पर कहा जा रहा है कि देखो जो आपकी

फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिंग ऑफ फायर इज और आर करेक्ट इट इज अफ कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री इट इज एन It इट इज एसोसिएटेड विद trenches. हाँ, इट्स सेम फॉर द लाइक आपके जापान के केस में अब कभी ज्योग्राफी अगर मैंने पढ़ाई तो मैं आपको इसके बारे में इन डेप्थ बताऊंगा बट फिलहाल Exam point of view से जितना को required है वो चीज मैंने आपको बता दी है बट स्टिल इसमें ना एक slip -slide hypothesis होती है है के केस में तो इसमें कहा जाता कि जैसे मान लो ये rocks है न, ये ना एक लिमिट तक की बेंड होती है अब जिसमें इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है और जैसे ही आप ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर मूवमेंट के बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पेन है ये पेन एक टाइम तक ही आपका बेंड होगा अब जैसे इसकी वो टेंशल स्ट्रेंथ खत्म हुई ना तो एक जगह जहां पर इसका वीक पॉइंट होगा वहां से टूट जाएगा तो सेम चीज कहते हैं कि भाई आपके बाकी चीजों में भी देखने को मिलते हैं रॉक सिस्टम में भी देखने को मिलती है जहां पर कोई भी अगर फॉल्ट होता है वहां से आपकी एनर्जी निकलती है इसे कहा जाता है सिस्मिक एनर्जी इसमें दो पॉइंट आपको याद रखने हाइपो सेंटर क्या होता है और एपी सेंटर क्या होता है जैसे एग्जाम्पल इस पॉइंट को क्या कहते हैं और ये जो सरफेस पे पॉइंट देखने को मिलता है इसे क्या कहते हैं जी जल्दी से देखो इस पॉइंट का नाम है आपका हाइपोसेंटर जो अर्थ क्रस्ट के अंदर देखने को मिलता है यहां से आपकी बॉडी वेव जनरेट होती है और एपिसेंटर वो पॉइंट है जो आपको सरफेस के ऊपर सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे देखने को मिलता है और एपिसेंटर से आपकी सरफेस वेव जनरेट होती है तो याद रखना ये दो पॉइंट है एंड हाइपोसेंटर को ही फोकस कहा जाता है आइए अब बात करते एंशिएंट हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक साइट की देखिए अभी रिसेंट टाइम में एक स्केल्टन मिला कुछ दूरी पे जहां पर एक्चुअल में हम कह रहे थे कि एंशिएंट हड़प्पन साइट के अंदर आपको मास बेरियल देखने को मिल रहा था मतलब तो एक ग्रेवयार्ड देखने को मिल रहा था तो अभी इस स्केल्टन के पास आपको थोड़े बहुत जैसे मिट्टी के बर्तन वगैरह मिले कुछ इस तरह के और इसके साथ-साथ कहते हैं कि भी कुछ जानवरों की हड्डी भी मिली है तो यहां पर एक आ जाता है कि देखो ओवरऑल इस एरिया में एक्सकवेशन स्टार्ट हुई थी दो हजार अठारह बेट करके गांव गांव है 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 वहां पर पर आपके लोकेटेड एरिया अब कहा जाता कि इसमें जो ये है, जहां पर ये जो ये ये जहां लाइक कात्या करके विलेज है इस विलेज के आसपास आपको तीनों हरपन साइट्स मिलती है चाहे अर्ली स्टेज की बात करें चाहे मिच्योर स्टेज की बात करें चाहे लेट स्टेज की बात करें अब यहां पर जो आपको चीजें मिली है जो इस मिट्टी के बर्तनों में वो कुछ सेमी प्रिशियस स्टोन्स मिले आपको टेराकोटा के स्पिंडल मिले कॉपर मिले लेथिक टूल्स मिले मतलब पत्थर के जो टूल्स होते हैं वो मिले एंड इवन आपको कुछ आर्कोबैक्टोनिकल, बेक्टोनिकल बोटोनिकल सैंपल्स भी मिले हैं आपको यहाँ से मतलब कुछ अवशेष वगैरह हड्डी वगैरह की और बाकी चीजों के जिससे आपको इनके कल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में काफी अच्छा खासा पता लगता है अब ये कहा जाता है कि देखो जो इस एरिया में सबसे बड़ी बात हमें समझ में आई वो ये समझ में आई कि एक्चुअल में आपकी लेट हरपन इरा में जो बरियल की अकॉर्डिंग totally तो जो चीजें यहां पर डंप की गई थी उसके अकॉर्डिंगली चीज पता लगी तो ओवरऑल अगर इस एरिया की लोकेशन की बात करें तो ये कात्या आपका एरिया यहां पर लोकेटेड है धोलावीरा के काफी क्लोज है अब इसके अलावा आपको जो साइट्स वगैरह याद रखनी है जैसे मोहन जोधारो की लोकेशन याद रख सकते हो को, कोड दिजी दी, की लोकेशन आप याद रख सकते हो साथ के साथ यहाँ पर लाइक दिस बनवाली की लोकेशन आप याद रख सकते हो कालीबंगा वगैरह ऐसी राखी घिरी ये ऐसी लोकेशंस को आप थोड़ा याद रख लेना हरप्पा वाली लोकेशन ये होगी ताकि मैपिंग में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो तो वैसे इस आर्टिकल में सिर्फ इतना ही आपको जानना था आइए अब बात करते हैं बिमला की देखो फॉरेस्ट में लोकेटेड ये जो एरिया है इसमें गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं लोथल की लोकेशन याद रख सकते हो धोलावीरा की याद रख सकते हो कालीबंगा की याद रख सकते हो लाइक राखी की याद रख सकते हो हरप्पा मोहनजुदारो बिकॉज देर इज अ पोटेंशियल मैपिंग का क्वेश्चन आ जाए इस एरिया से तो ये एक मेजर आपके लिए चीज हो सकती है अच्छा अब बात करें प्लेसेस इन न्यूज़ की तो नलामला फॉरेस्ट में आपको वैसे तो बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है तो इस एरिया में अभी हुआ क्या है कि बारिशें कम होने की वजह से वाटर अवेलेबिलिटी कम हो गई तो जिसकी वजह से टूरिस्ट के ऊपर कुछ हद तक गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई है यहाँ की तो इस वजह से ये एरिया आपका न्यूज़ में रहा है हीट वेव के कारण यहाँ पर नलामला फॉरेस्ट में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई है जो लोग आपके यहाँ पर आ रहे हैं उन्होंने उनके ऊपर अब अगर बात की जाए ये जो एरिया है लाइक इसे नागार्जुन नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व के आसपास आप देख सकते हैं उसी का ही पार्ट है और यहां पर आपको लाल चंदन देखने को मिलता है तो याद रखना इस एरिया में सबसे जो स्पीशीज है वो लाल चंदन की है बाकी तो चलो टाइगर लेपर्ड्स डियर और बाकी चीजें तो आपको मिलती रहती है अब अगर इस टेम्पल की बात करें तो विष्णु जी का ये मंदिर है जहां पर नरसिम्हा अवतार में विष्णु जी को पूजा जाता है वैसे तो कहा जाता है कि जब अः गरुड़ जो भगवान के वाहन है उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि भाई आप मुझे अपने दर्शन दीजिए तो ऐसे लाइक कुछ टेंपल्स को अपने उसकी विश को पूरा करने के लिए ऐसे नौ टेंपल्स में जाके लाइक आप ये कह सकते हो कि नरसिम्हा भगवान की मूर्ति देखने को मिलती है तो यहाँ पर प्रहलाद को बचाने के लिए हिरणाकश्यप को मारने के लिए भगवान ने जहां पर अवतार लिया था बेसिकली वही एरिया है जहां पर यह मंदिर लोकेटेड है तो इसके बारे में अगर बात की जाए तो ये आपकी कृष्णा रिवर निकल रही है और ये आपका नल्ला मल्ला हिल्स और इसके आसपास का एरिया जहां पर ये मंदिर लोकेटेड है तो आइए एक बार देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस हमें पूछे जा सकते हैं ट्रू फॉल्स की फॉर्मेट में इनिशियल फेज सॉ अ क्रिएशन ऑफ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व इट टू क्रिटिकल लोकेशन कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ 5.33 मिलियन मेट्रिक टन टू लोकेशन थी कि थ्री थी जल्दी से दो लोकेशन थी कि तीन अरे तीन लोकेशन थी दो नहीं थी फॉल्स इट इज थ्री ग्लेशियर लेक आउटबर्स फ्लड रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट नेचुरल डिजास्टर वेयर the barrier holds back a glacial lake gives away leading to a sudden release of massive quantity of water kya aisa hota hai barrier jo hai wo toot jata hai jiske baad एकदम से पानी बह के आता है और इसके कारण बहुत बड़ा flood आता है Second statement. ट्रू सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है आपकी एज पर द रूल इन इंडिया एज ऑफ सेरोगेटेड मदर मस्ट बी इन बिटवीन पच्चीस से पैंतीस क्या पच्चीस से पैंतीस साल के बीच में होती है एज एंड सरोगेट ट्वाइस कर सकते हैं थर्ड फॉल्स है क्योंकि दो बारी भी नहीं एक बार ही कर सकते हैं। तो वो भी एक बात है और हाँ एक चीज याद रखना अगर किसी का बच्चा नहीं है उस केस में हो सकता है या बच्चे की डेथ होगी हो कोई बीमारी हो तब भी ऐसा हो सकता है सैरोकेसी ऐसे अलाउड नहीं है रिंग ऑफ फायर कॉमनली नोन एज सर्कम पैसिफिक वॉलकैनिक बेल्ट इन सर्कल्स अटलांटिक ओशन में है आपकी रिंग ऑफ फायर है बिल्कुल से मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है आपका एंड कोशिश करो जो आंसर लिखते हो एक दूसरे का आंसर पढ़ा करो और कुछ रिकमेंडेशन वगैरह देने हो, तो दे दिया करो एनालाइज द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया क्रूड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी इन द दंटेक्सट ऑफ ग्लोबल एनर्जी डायनेमिक्स एंड रिलीजन सिक्योरिटी चैलेंजेस

डेली एक मेंस के आंसर राइटिंग कोई क्वेश्चन आपको मिला करेगा इस क्लास में तो कोशिश करना कि आंसर लिखने की और जब मेरे पास टाइम होगा एज एंड मेन आई विल ट्राई टू रीड आउट कि किसने कैसा लिखा है अभी तो आजकल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है हाँ एक दूसरे की कॉपी नहीं करना अरे क्वेश्चन इतना बड़ा आ सकता है कोई ऐसे क्वेश्चन के ऊपर लिमिट नहीं है अच्छा हिंदी में कोशिश करता हूं मैं मैं एक काम करता हूं इसका ना मॉडल आंसर नेक्स्ट डे आपको प्रोवाइड कर देता हूं सो दैट मॉडल आंसर से आप उस चीज को मैच कर सको ठीक है इसका मॉडल आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा शालिनी एक बारी रीड कर लेना थोड़ा तबीयत ठीक सी नहीं फील हो रही तो आज के लिए मैं माफी चाहूंगा कि आपकी बात को मैं रिपीट नहीं कर पा रहा हूँ तो बाकी आपको पता ही है प्रोसेस आज की क्लास के लिए धन्यवाद और लाइक का बटन दबाते हुए जाना थैंक यू एवरीवन